राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले पर एनएसए की कार्रवाई है। बता दें, चुनावी रंजिश में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया था। आरोपी फारूक राइन पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए, तो अब एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर का हाथ काटा था। दो दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ता पर यह हमला किया गया था। देवेंद्र ठाकुर से अस्पताल मिलने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा भी पहुंचे हुए थे। तो दोस्त फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया, एक बार दर्शकों को ये पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, कांग्रेस ने मध्य विधानसभा सीट फिर से एक बार जीती है, और इस सीट पर जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपसी रंजिश के मामले सामने आ रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगा है कि देवेंद्र ठाकुर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको जो है रंजिश के चलते कांग्रेस से समर्थित लोगों ने उनके हाथ पर जो है धारदार हथियार से वार किया, जिससे उनका हाथ की हथेली जो है वो कट गई। और उसके बाद वो अभी हॉस्पिटल में इलाजरत है। उनको देखने के लिए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली से भोपाल आए थे, और उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनको देखने के लिए गए थे, और दोनों ही नेताओं ने कहा था कि जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब जो है भोपाल जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उनके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की है। बिल्कुल, तो कार्रवाई के निर्देश हुए कि आप पर दे दिए गए। फिलहाल कार्यकर्ता की क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? देखिए, फिलहाल कार्यकर्ता अस्पताल में एडमिट है, और उसके हाथ को जोड़ने की कोशिश डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान की है, और अब देखना होगा कि कब तक उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। और बीजेपी ने कहा है उस पूरे परिवार से कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी जो पार्टी है उनके इलाज की उनकी उसकी देखरेख करेगी, उनके इलाज का खर्च भी उठाएगी। ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आश्वासन दिया है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। और अब राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। चुनावी रंजिश में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया था। आरोपी फारूक राइन पर एनएसए ने अब कार्रवाई की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर का हाथ काटा था और दो दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया था। पूरा मामला भी एक बार फिर आपको बता रहे हैं। देवेंद्र ठाकुर से अस्पताल मिलने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा भी पहुंचे थे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और इस पूरे मामले पर अब एक्शन लिया गया है। कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने दे दिया। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके की कार्रवाई आगे की जाती है। तो बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने का यह पूरा मामला है। आरोपी फारूक राइन पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं।